समाज में लोगों की तंदुरुस्ती को लक्षित करते हुए सरकार के सभी के लिए खेल विजन का मूल उद्देश्य खेल अवसंरचना विकसित करना, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना, छोटी उम्र से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें तराशना, खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और विभिन्न युवा विकास कार्यक्रमों को लागू करना है। राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में चयनित खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपया अग्रिम राशि देने की घोषणा की है, ताकि वे बेहतर आहार, नवीनतम प्रशिक्षण सुविधाएं और खेल उपकरण हासिल कर सकें। सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए आहार राशि 150 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिदिन की गई है। भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी इस बार हरियाणा करेगा। ये हरियाणा के लिए सम्मान की बात है। इसमें 5 स्वदेशी खेलों सहित 25 खेल स्पर्धाएं होंगी और देश भर से 10,000 से अधिक खिलाड़ियों और अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है। अंबाला कैंट स्थित वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल और फुटबॉल ग्राउंड निर्माणाधीन है। आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के दृष्टिगत तब देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के नए मैदान बनाने का प्रस्ताव है।